आज शाही इमाम फॉर पंजाब की तरफ से उनकी अगुवाई में जो हम लोग प्रोटेस्ट निकाले हैं काला कानून के विरोध पर, और जो योगी सरकार जो मुजफ्फरनगर सहारनपुर मेरठ के अंदर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और तमाम मुसलमानों का जो संपत्ति जब्त कर रहे हैं वो बिल्कुल नजायज कर रहे हैं और बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इस विरोध पर हम लोग ये प्रोटेस्ट निकाले हैं। आज काली दिवस मना रहे हैं, पूरे पंजाब के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम मुसलमान सिख हिंदू ईसाई सब भाई जो आज रोड पर उतरे हुए हैं वो इस आधार पर उतरे हुए हैं जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं इसके बंद करें और CAA से बंद करें। और सब भाइयों जो जानते हैं जो आसाम के अंदर इन्होंने जो NRC लागू किया उसमें क्या हुआ, वहाँ के हिंदू मुसलमान क्यों रोड पर उतरे, इन्होंने कहा क्या जो CAA सिर्फ बाहर के लोगों के लिए, NRC सिर्फ बाहर के लिए लोगों के लिए। जब NRC वहाँ लागू हुए तो UP बिहार आसाम कलकत्ता और पंजाब और कई ऐसे देश के जो हिंदू मुसलमान जो वापस वहाँ से निकाले गए आसाम से, वो हर जाति के लोग निकले गए, सिख भी निकले हिंदू भी निकले मुसलमान भी निकले ईसाई भी निकले। वो NRC तो उन्होंने कहा था बाहर के लोगों के लिए है, जो फौजी आए हुए हैं हिंदुस्तान से, जो वो लोग जो आए हुए हैं ओरिजिनल दे भाई, जो ये हिंदुस्तान के लोग जो आवाम जो वहाँ जाकर आसाम कंपन अपना रोजीगारी करते थे बिजनेस करते थे कारोबार चलाते थे, उन लोगों पर जो लागू हुआ उन लोगों पर बहुत असर हुआ, उन लोगों की सारी वहाँ की संपत्तियाँ छूट गई, उन लोगों की सारी मेहनत तो रोजगारी छूट गई, वो लोग UP वापस आ गए बिहार वापस आ गए कई ऐसी देश से वापस आ गए। ये कहाँ की इंसाफ है जो हर जाति को रखा गया NRC के अंदर CAA के अंदर और मुस्लिम को नहीं रखा गया, ये कहाँ का इंसाफ है। और ये आज ये मुसलमान को निकाले हैं, कल दलित को निकालेंगे, परसों सिख को निकालेंगे, धीरे धीरे ये सब निकालेंगे, अपना ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं भारत के अंदर। और ये हिंदुस्तान है, ये सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान सिख सब ने मिल करके आज़ादी दी है, और सबसे ज़्यादा अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक जो फांसी पर चढ़ा था हमारे उलमाओं ने चढ़ा था, और उलमाओं ने एक लाइन से फांसी पर लटका था किस लिए, आज़ादी के लिए। क्या ये दिन देखने के लिए हम जो इस दिन पर आज उतरे हुए हैं रोड पर, और ये 22 जनवरी तक धरना लागू रहेगा। और हमारे शाही इमाम ने ऐलान कर दिया है जब 24 घंटा जगरावां पुल के ऊपर धरना रहेगा, और इंशाल्लाह 10 दिन तक धरना रहेगा रात और दिन। और सब भाई आज हम वादा कर ले सब भाई उनका साथ देंगे, शाही इमाम तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। हमें ये बिल्कुल लग रही है जो धक्का कर रही है, कोई शक वाली बात नहीं है, धक्का कर रही है सर वो।
हमारे साथ भी धक्का करी है, जितने भी दलित भाई हैं हमारे उनके साथ भी धक्का कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ उनका ये है कि जुलूम है कि वो तानाशाही अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं, उन्हें और किसी से मतलब नहीं है, देश के लोगों से मतलब नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था से उनको मतलब नहीं है। आज हमारे देश की GDP कितनी गिर चुकी है, ये लोग कहते हैं पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान क्या है हमारे देश के मुकाबले, पाकिस्तान क्या है, हमें हुक्म दे हमारे मुसलमान भाई पाकिस्तान पे अटैक करने को खत्म करना, जो बार बार हमको पाकिस्तानी कहा जाता है, हम पाकिस्तानी नहीं, हम हिंदुस्तानी, हमने गांधी को चुना था, हमने जिन्ना को नहीं चुना था, इस दिन के लिए नहीं कि आज हमसे आप हमारी प्रूफ मांगो कि आप भारतीय हो कि नहीं, हम दिल से भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे, हम अमर जीना भी चाहते हैं इसी देश में और मरना भी चाहते हैं इसी देश में इंशाल्लाह तबारक तआला। और जब तक जान में जान है, हम जो नफरत फैला रहे हैं लोग इनके खिलाफ, अपनी बगावत जो हमने शुरू की है इसको करते रहेंगे जब तक हमारी जान में जान है, हम इनके आगे घुटने नहीं टेकेंगे। अच्छे अंग्रेजों ने हमारे आगे घुटने टेक दिए, किसके, हम हिंदुस्तानी के होने के नाते, हम हिंदू मुसलमान होने के नाते नहीं, हम हिंदू हैं भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी, ईसाई भी, एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान, इसीलिए महान है क्योंकि इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, इसीलिए हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भारत महान कहा जाता है। ऐसे नहीं महान कहा जाता कि आप उसको बांट दो इसको बांट दो, नफरतों की वजह से नहीं महान कहा जाता, इसकी यही सच्चाई है, मिसाल है हमारे देश की मोहब्बत, हम पैगाम देते हैं लोगों को, लोग हमसे सीखते हैं, हिंदुस्तान में हर तरह के लोग रहते हुए भी एक मोहब्बत से रहते हैं, एक इकट्ठे रहते हैं, यही हम नरेंद्र मोदी की सरकार को देना चाहते हैं कि आप ये जो काला कानून लेकर आए हो इससे किसी का भला होने वाला नहीं है, किसी का भला होने वाला नहीं है।